रौनक, कैसा है मेरे भाई? काजल, ये कैसी आवाज थी? पता नहीं माँ, लगता है बाहर से आवाज आ रही है। अक्षय भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कमरे में भी नहीं है। मैं उन्हें बाहर देख कर आती हूँ। हाँ, मैं हूँ इसके पास, तुम जाओ। हाँ। खबरदार, जो मुझे किसी रिश्ते से बुलाने की कोशिश की तो, क्योंकि तुम किसी रिश्ते के लायक ही लायक। तुम्हारे 5 साल पुराने धोखे से आज तक मैं नहीं उभर पाया, और तुमने एक और नई चाल चली, इस बार अपने साले का इस्तेमाल करके। नहीं रौनक, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुझे गलत लग रहा है। विनय का इन सब से कोई लेना देना नहीं है। तू मेरी बात सुन। शट अप अक्षय। गए वो दिन जब तेरी हर बात में आंख मूंद कर मान लेता था, लेकिन आज तो तेरा सच भी मुझे झूठ लगता है। तेरी हर बात मुझे झूठ लगती है, इसलिए दिखावा बंद करो और बता मुझे, पता कि तुझे क्या चाहिए। Why are you playing these games? बता क्या चाहिए तुझे टेक में मुझसे। रौनक, तू हद से आगे बढ़ रहा है। अच्छा, अब तू हदें तय करेगा। हद पार करना किसे कहते हैं, आज मैं तुम्हें बताऊंगा। विनय! नहीं बेटा, सो जा, सो जा। हाँ, गुड का। विनय! रौनक, एक बार बात तो सुन। देख, इस मामले को बैठ के सुलझाते हैं। घर का मामला है, परिवार जुड़े हैं, क्या हम शांति से बात कर सकते हैं? इंस्पेक्टर, जैसे कि मैंने आपको फोन पे बताया, विनय नाम के लड़के ने मेरी बहन को धोखा दिया, उससे जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की और उसे प्रेग्नेंट कर दिया। वो इसी घर में रहता है, उसे अरेस्ट कर दीजिए। मैं उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाना चाहता हूँ, जेल भेजना चाहता हूँ, ताकि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। जाओ। जस्ट काजल, ये वहां बाहर रौनक सर आए हैं। रौनक बाबा आए हैं इतने सालों के बाद? मां, मैं बाहर देख कर आती हूँ। आप में से विनय कौन है यहाँ? जी, मैं विनय हूँ, बताइए। चलो। अरे हवलदार साहब, ये मेरा बेटा विनय है। चलो, क्या? अरे बताइए तो सही, मुझे सुनिए तो, आप मेरी बात तो सुनिए, कहाँ लेके जा रहे हो? सर, हमें अपना काम करने दीजिए, आपका बीच में आना ठीक नहीं। आपको जो कुछ भी करना है पुलिस स्टेशन आकर कीजिएगा, मामला बहुत ही गंभीर है, हमें ऑन द स्पॉट अरेस्ट करना होगा।
अरे रौनक, मेरी बात तो सुन, ये सब गलत हो रहा है, तुझे गलत फहमी हुई है। विनय को तो पता भी नहीं था कि नीति तेरी बहन है। हाँ बेटा, और वो उसे धोखा नहीं दे रहा है, उससे शादी करना चाहता है, उससे प्यार करता है। और तूने सोच भी कैसे लिया कि मुझे तेरी इस नई कहानी पे भरोसा हो जाएगा? अरे सबसे बड़ा धोखेबाज तो तू, कहानियां बनाना तो तेरे खून में, तो तू क्यों सच बोलने लगा? रौनक तू मेरी बात तो सुन। मेरी बात तू सुनेगा आज। इस विनय की वजह से पहली बार सबके सामने मेरी मां की बेइज्जती हुई। आज तक जिसकी गर्दन सिर्फ भगवान के सामने झुकती थी, आज सबके सामने झुक गई। आज तक जो लोग मेरी मां के सामने नजरें उठाकर बात नहीं कर सकते थे, आज वही लोग मेरी मां पे उंगली उठा रहे थे। ये सब कुछ हुआ तेरी वजह से। तूने जानबूझ के ये सब करवाया। रौनक बेटा, बेटा इतना बड़ा हो गया कि तो मुझसे मुंह फेर लेगा? मुझे तो अपनी माँ की तरह मानते थे ना, फिर ऐसा क्या हो गया कि कोई बेटा अपनी माँ को भूल गया? तुम दोनों की बचपन की दोस्ती एक पल में टूट गई। एक दूसरे को भाई मानने वाले आज दुश्मन बन बैठे। आखिर हुआ क्या है रौनक, कम से कम मुझे तो बताओ। पांच साल पहले जो कुछ भी हुआ वो अक्षय से बेहतर कौन बता सकता। लेकिन आज मैं यहां अपनी बहन के साथ हुए धोखे का हिसाब लेने आया हूं। इस विनय से जिसने मेरी बहन के साथ प्यार का नाटक किया और उसे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया। नीति प्रेग्नेंट है? जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। आइंदा नीति का नाम अपनी गंदी जुबान पे मत लेना। Come on, you cheat! ये तो कोई धोखा नहीं दिया। मैं और नीति एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैंने बोला ना, नाम मत ले नीति का। रौनक बेटा, हमारे बीच में मत आ। ये पांच साल पहले की बात नहीं है जब मैंने तुझे बीच में आने दिया था। ये मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है। रौनक देख मेरी बात सुन। हट जा शेर, वरना कहीं मुझे पछताना ना पड़े कि उस दिन मैंने पहाड़ी से तुम्हें धक्का क्यों नहीं दिया। हट जा, चल। भैया मैंने कोई धोखा नहीं दिया उसको। मत बोल। मैं सच कह रहा हूँ भैया, मैं नीति से प्यार करता हूँ, से शादी करना चाहता हूँ मैं, और वो भी यही चाहती है। तेरे किसी भी बात में मुझे कोई यकीन नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे बेटे को मारे चले जा रहे हैं। हाँ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? रौनक,
गुस्सा छोड़कर बात करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सच क्या है। इस मुश्किल का नीति और विनय से कोई लेना देना नहीं है रौनक सर। हाँ मैं मानती हूँ इन दोनों से गलती हुई है, पर वो कोई साजिश या पाप नहीं। और मैं तो मानती हूँ कि अगर नीति और विनय का रिश्ता हो जाएगा तो हमारे बीच के जो भी गिले शिकवे हैं सब दूर हो जाएंगे, हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। रौनक सर आप खुद देखिए, यहाँ पर कोई भी खुश नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि किसी को भी नहीं पता है कि 5 साल पहले आपके और अक्षय के बीच में क्या हुआ था। ऐसा क्या हुआ कि हम लोग अलग हो गए? अक्षय बताना अपने परिवार को अपने धोखे के बारे में, बोल दे सच। जब ये सच काजल जाने तो सोचो काजल पे क्या बीतेगी, और तुम्हारी बेटी तुम्हारी प्यार की साक्षी नहीं तुम्हारे धोखे की साक्षी बनेगी। अक्षय बताना अपने परिवार को अपने धोखे के बारे में, बोल दे सच। अक्षय मुझे कुछ नहीं बताएगा रौनक सर, इसने तो मुझे कसम दे रखी है कि मैं इस बारे में से कोई सवाल ना करूं, पर मैं जानना चाहती हूं किसी और के लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए। और क्या पता जब सच सबके सामने आएगा तो नीति और विनय का भी रिश्ता ठीक हो जाएगा, दोनों परिवार की दूरियां मिट जाएंगी, आपकी नफरत कम हो जाएगी, ये जो दुश्मनी है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए रौनक सर प्लीज मुझे बताइए 5 साल पहले क्या हुआ था, मुझे आपसे जवाब चाहिए, क्योंकि इस सवाल के साथ मैं सिर्फ नहीं रह सकती। पांच साल पहले जो हुआ था क्या हुआ था रौनक सर? मैं यहां उस बीते हुए कल का बदला लेने नहीं आया हूं। अगर बदला लेना ही होता तो मैं इन 5 सालों में एक दिन भी अक्षय को चैन की सांसें लेने नहीं देता। उसकी हर खुशी को मातम में बदल देता हूं कि वो जीता जरूर पर जीना नहीं चाहता, क्योंकि उसने जो मेरे साथ किया है उसकी कोई माफी नहीं हो सकती। पर ऐसा क्या किया है अक्षय ने? जब आज तक अक्षय ने तुम्हें कुछ नहीं बताया तो मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा काजल, लेकिन मैं इंतजार करूंगा उस दिन का जिस दिन अक्षय खुद अपना गुनाह कबूल करेगा। इंस्पेक्टर मैं आपको पुलिस स्टेशन में मिलूंगा। हथकड़ी लगाओ। देखो रौनक बाबू कोई बहुत बड़ी भूल हो रही है, ये विनय ऐसा नहीं है। वीनू तू फिक्र मत कर, मैं आ रहा हूँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आ रहा हूं वीनू। हेलो अनिल जी, मैं अक्षय बोल रहा हूँ। देखिए बहुत इमरजेंसी है। हाँ मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए पुलिस वाले आए थे और हाँ पुलिस स्टेशन अभी के अभी प्लीज। हाँ ठीक है थैंक यू सो मच।
मिलते हैं हम। अक्षय तुमने सच बताने में बहुत देर कर दी। अक्षय 5 साल पहले चाहे जो भी हुआ हो उसकी सजा मेरे भाई तेरे को मिल रही है। अक्षय चल बेटा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।